कोई जानकारी है, जेपी से कोई रिश्ता रहा है, है? हम लोगों का क्या रिश्ता रहा है सबको मालूम नहीं है। उन्हीं के नेतृत्व में काम हुआ जेपी मूवमेंट, आप सोचिए किस तरह से, और किस तरह से हम सब लोगों का उनसे एक लगाव था। तो इसलिए जो जेपी के बारे में हम लोगों को कहेगा, जेपी के बारे में कुछ मालूम है इन लोगों को, इन लोगों को जेपी से क्या लड़ देना। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस जो एक बहुत छोटी पार्टी, सिकुड़ करके छोटी पार्टी हो गई, इतनी छोटी कि लोकसभा में उसको बजाबता विरोधी दल की भी मान्यता नहीं है, उसके खिलाफ आज राजनीति करना तो हास्यास्पद है। कांग्रेस ने जो कुछ किया, हम सबका समर्थन नहीं करते, लेकिन कांग्रेस ने जो कुछ किया, आप ठीक, मैंने हमने आपको कहा कि किस तरह से मैंने संपत्तियाँ बनाई बैंकों का, राष्ट्रीय का, सब आप उसके उल्टा दिशा में जा रहे हैं। इसलिए अगर भारतीय जनता पार्टी का आज के समय में विरोध नहीं किया जाए तो एक ऐतिहासिक चूक होगी, और इसलिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं। जो अपने आप को जयप्रकाश नारायण का चेला कहने वाले लोग, जो जयप्रकाश नारायण कांग्रेस के अत्याचार, कांग्रेस के इमरजेंसी, कांग्रेस के परिवारवाद, व्यक्तिवाद, वंशवाद के खिलाफ जिहाद छेड़ी थी, जयप्रकाश जी ने, छात्र आंदोलन भी हुआ था, उसी के गर्व से ये निकलने वाले लोग हैं। आज उसी के जिसके खिलाफ जयप्रकाश जी ने लड़ाई लड़ी थी, आज उसी के पांव पर ये जाके नतमस्तक हो जाना, उसके समर्थन से अपने जीवन यापन करना, व्यक्तिवादी संस्थाओं को बढ़ाना, परिवारवादी संस्थाओं को बढ़ाना और अत्याचारियों को अत्याचार करने की छूट देना, यह कहीं से जयप्रकाश नारायण का कोई चेला नहीं कर सकता है। और कर रहा है तो जयप्रकाश नारायण अगर होते तो अपने शिष्यों को इस तरह के कुकृत करते देखते तो शायद अपने आप को पनिश करें।